हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सेकंड लेक्चर ऑफ चैप्टर थर्ड लॉग ऑन टू एक्टर। स्टूडेंट, यू हैव आल्सो टॉट अबाउट एमएस एक्सेस इन प्रीवियस क्लास। व्हाट इज एक्सेस एंड हाउ कैन आई वर्क इन एक्सेस? स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि एक्सेस होता क्या है और एक्सेस से हम वर्क क्या करते हैं और इसका यूज हम किस लिए करते हैं। मैंने आपको कुछ बता देता हूं, जो भी मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था एक बार रिवाइज करता हूं। कि जैसा मैंने आपको बताया था डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस क्या होता है आपका, जो भी छोटे से डेटा होता है, डेटा कलेक्शन होता है, उन्हीं को ही हम डेटाबेस कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को प्रीवियस क्लास में कि जैसे आप हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों का क्या होता है कि कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन होती है जो कि स्कूल में क्या होती है, कलेक्ट करके रखी जाती है हर एक स्टूडेंट का, ठीक है। तो उन्हीं जो भी डेटा होते हैं उन सभी स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है, एक फॉर्मेट, एक मैनेजमेंट फॉर्म से एक जगह मीन्स कंटेन करके उसे रखा जाता है, ठीक है। और आपको मैंने इस एमएस एक्सेस के बारे में आपको दिखाया भी था, यहाँ पर आपको स्लाइड के थ्रू और प्लस आपको वर्क करके भी मैंने बताया था कि उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो आज हम चलते हैं स्टूडेंट्स के आगे की ओर कि हम आगे बात करते हैं कि अब क्या है, कैसे हम उसके ओपन करते हैं, कैसे हम उससे वर्क करें, किस तरह से हम टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है, और किस तरह से हम डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे, और भी कई सारी चीजों के बारे में हम जान चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड। स्टूडेंट, यहाँ पे आपकी सबसे पहले हेडिंग है स्टार्टिंग एमएस एक्सेस। अब हम बताएंगे कि कैसे हम स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेस, ठीक है। तो आप हम ध्यान से देखिएगा एक एक पॉइंट को, और आप चाहिएगा तो कॉपी पे आप अपनी नोट कर सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, और हमें करना क्या है। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल We will go to start button. स्टूडेंट, आप देख सकते हो यहाँ पे आपका, आप ये सबसे पहले आपका डेस्कटॉप है, ठीक है। डेस्कटॉप पे आपके जो बॉटम पे क्या होता है, आपका स्टार्ट बटन होता है जिसे हम स्टार्ट कर, देखिए आपका यहाँ तो हो रहा है स्टार्ट, ठीक है। तो इस स्टार्ट बटन पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम क्लिक करेंगे आपका एक मेन्यू ओपन होगा। ओके, तो आप इस मेन्यू में आप देखोगे इस जो भी ये ढेर सारी मेन्यू लिस्ट आ रही है, यहाँ पे आपको एमएस ऑफिस एक्सेस दिख रहा है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये क्या है, एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस, ठीक है। इसके और डिफरेंट डिफरेंट वर्जन आते हैं, आपको अलग अलग वर्जन से आप जाकर क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लीजिए सपोज आपको यहाँ पे ये नहीं शो हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए आपको ये क्या हो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, ऑल प्रोग्राम में जाओगे, आप और प्रोग्राम में जाकर के आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाओगे। आपको यहाँ दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहाँ है, ये देखिए ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। आप इस ऑफिस में जाएंगे और यहाँ पे फिर आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस कहाँ पर है। तो आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपका फर्स्ट नंबर पे ही है, जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी देखिए एक विंडो आपका एक ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को किस तरह से हम ओपन करते हैं, ये इसकी प्रोसेसिंग है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, देखते हैं क्या नेक्स्ट पॉइंट है, इसके लिए स्लाइड चलना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, क्रिएटिंग अ डेटाबेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, क्रिएटिंग अ डेटाबेस, कैसे हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं किस तरह से हम क्रिएट करेंगे। इसके लिए फिर हमको भी चलना पड़ेगा एमएस एक्सेस पे जहां पे मैंने ओपन किया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ गए, अब हम किस तरह से क्रिएट करेंगे डेटाबेस। तो स्टूडेंट, हमको क्या करना होता है, क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ब्लैंक डेटाबेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप कई सारे डेटाबेस अवेलेबल होते हैं ऑलरेडी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है, एसेट्स हो गए, कॉन्टैक्ट हो गए, इश्यूज हो गए, इवेंट हो गए, ठीक है, और भी कई सारे हैं जो कि आपको यहाँ पे अवेलेबल होते हैं,
ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप लेना चाहते हो ले सकते हो, जैसे स्टूडेंट हो गया, फैकल्टी हो गई, ये सब क्या है कि आप जो भी जैसे परफॉर्मेंस कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप इस डेटाबेस का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे सपोज मान लीजिए हमें को कोई न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है, हम उसके लिए क्या करेंगे, इस ब्लैंक डेटाबेस पर जाकर के हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे ब्लैंक डेटाबेस का मतलब क्या होता है कि अभी जो है उसमें कोई भी एंट्री अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, ब्लैंक डेटाबेस का हम यूज करते हैं। ठीक, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देखो यहाँ पे साइड में एक और मेन्यू आ गया, मीन्स सॉरी कह सकते हो आप, एक और आ गया। ठीक है, जिसे हम कहते हैं फोल्डर, इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे क्या होता है, एक्सेस डिफाइन होता है, उसकी लोकेशन के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे हम अपनी फाइल का नाम दिया होता है, यहाँ पे हम अपनी फाइल का नाम दे सकते हैं। अगर हम यहाँ अपनी फाइल का नाम जो भी सेव करना चाहते हैं जिस डेटाबेस को, उस नाम से हम दे सकते हैं। यदि आप कोई नाम नहीं दोगे तो बाई डिफॉल्ट ये डेटाबेस के नाम से आएगा, डेटाबेस 1, 2, 3, 4 जो भी आपके अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करता है। यदि आप इसमें अपना नाम नहीं देना चाहते तो यहाँ पे अपना नाम दे सकते हो आप। सपोज मान लीजिए मैंने कोई नाम ले लिया, अपना ही ले ले रहे हैं, SUSSHIL। ठीक है, सुशील दिया मैंने। स्टूडेंट आप यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पे इसको सेव करोगे, ये सेव कहाँ होगी आपकी फाइल जा करके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स नाम के फोल्डर के अंदर, डीएस नाम का फोल्डर है, यूजर्स के अंदर डीएस है, एंड डीएस के अंदर आपका डॉक्यूमेंट्स है, और डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका मतलब जो हमारे नाम का फोल्डर है वो जाकर के क्या होगा, सेव हो जाएगा। यदि आप चाहते हो इसकी लोकेशन चेंज करना चाहते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग लोकेशन चेंज कर दोगे। ये आपका फोल्डर है, ब्राउजर लोकेशन जो भी शो करता है इसे। ठीक है, जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका एक आएगा, आपका डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होगा। ठीक है, जो लोकेशन बॉक्स में प्रेस कर सकते हो, जहां से आपकी लोकेशन बताएगा आपको, जहां भी लोकेशन आपको देना है वहां आप लोकेशन दे सकते हो। सपोज हम कहते हैं कि हम डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप लिखेंगे, और आपका देखिए यहाँ पे ये क्या, ये लोकेशन पास होता है, बताता है कि आप किस लोकेशन पे हो। तो आप क्या है, आपके डेस्कटॉप पे हो, डेस्कटॉप पे आप क्या है, सुशील आपका डेटाबेस है, जो कि आपने नाम दिया था अपना। ठीक है, जो हमने अपना नाम दिया है, ठीक, इस नाम से हम क्या करेंगे, डेटाबेस अपने डेस्कटॉप पे रखना चाहेंगे। यदि आप चाहते हो कि हम कोई फोल्डर बना ले उसके अंदर रख दें, तो आप वो भी कर सकते हो। आप फोल्डर क्रिएट करके अपने नाम का उसके अंदर भी आप कर रहे हो, डेटा जो भी आप दे रहे हो वो दे सकते हो। डायरेक्ट आप रखना चाहते हो उस डेटाबेस को डेस्कटॉप पे, तो आपको ये भी ऑप्शन है कि आप इस डेटाबेस को डायरेक्ट डेस्कटॉप पे रख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, हम कोई भी फोल्डर नहीं बना रहे हैं, हम डायरेक्ट इस डेटाबेस को हम डेस्कटॉप पे ही केवल रख रहे हैं। हमने ओके किया, जैसे ही हम ओके करेंगे आपके डेटाबेस आपके सेव हो जाएंगे। देखिए जैसे ही ओके किया उसकी लोकेशन आ गई यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे ही हम क्रिएट करेंगे तो आपकी क्या होगी, वो फोल्डर आपका क्रिएट होगा, ये डेटाबेस आपका ब्लैंक डेटाबेस क्या होगा, क्रिएट होगा। तो जैसे ही हमने नाम दिया आपका सुशील, वो पास यहाँ पे चेंज हो गया, ये देखिए सी ड्राइव यूजर डीएस एंड डेस्कटॉप, आपका यहाँ पे एक लोकेशन होता है, एंड आपका डायरेक्ट डेस्कटॉप पे भी आपका ये फाइल्स आ जाती है आपकी। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे एक और बात स्टूडेंट, जैसे ही मैंने आपको देखा दे दिया था आपको, जैसे ही मैंने आप यहाँ पे नाम लिखा था और जैसे ही मैंने पास चेंज किया, तो बाय डिफॉल्ट इसने क्या किया, .accdb ऑटोमेटिक इसने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। ये .accdb है क्या, ये आपका, मैंने आपको पहले ही बताया है स्टूडेंट कि आपका हमेशा जब भी कोई आप फाइल सेव करते हो किसी भी कोई भी सॉफ्टवेयर में, मान लीजिए एमएस वर्ड यूज कर रहे हो, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, जो भी आप यूज करते हो आप, ठीक है, यदि कोई फाइल्स आप यूज कर रहे हो, अगर उसको उसकी फाइल्स को अगर आप किसी नाम से सेव करना चाहते हो, जब भी आप सेव करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, अब उस फाइल के एक्सटेंशन का यूज करता है कि आप किस टाइप की फाइल का यूज कर रहे हो। इसी तरह सेम आपका, अगर आप एक्सेस यूज करते हो तो एक्सेस का एक्सटेंशन क्या होता है आपका, मीन्स जो आप जो बाय डिफॉल्ट ये सेट कर लेता है आपका, होता है .accdb, ये आपका एमएस एक्सेस का एक्सटेंशन नेम होता है, जो कि आप फाइल नेम के साथ ऑटोमेटिक लग जाता है। यदि आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, नहीं तो ये बाय डिफॉल्ट आपका इस .accdb में आपकी मतलब ये एक्सटेंशन एक्सेप्ट करेगा और फिर आपकी फाइल सेव हो जाएगी। ठीक, जैसे ही हमने नाम दिया, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट पर क्लिक, जैसे ही हम क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, देखिए क्या होता है, क्रिएट करते हैं हम, जैसे ही क्लिक किया देखिए आपकी क्या होगी, ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट हो गया आपके सामने फाइल है, जो कि ये क्या है, पूरी आपकी
क्रिएट हो चुकी है, एक न्यू ब्लैंक डेटाबेस आपके सामने ओपन हो चुका है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पहले क्या है, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएटिंग अ ब्लैंक डेटाबेस, वो तो मैंने आपको क्रिएट करके बता दिया किस तरह से हम ब्लैंक डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम इससे हम वर्क कैसे करते हैं। आपका ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट हो गया, अब हम इससे वर्क कैसे करेंगे थोड़ा सा उसके बारे में हम बता दें आपको कि होता क्या क्या है इसमें और भी क्या क्या आप यूज करते हो आप। चलिए इसके लिए फिर ओपन करते हैं हम उसे। ओके, अब आप यहां देखिएगा, आप जहां पर मैंने आपको फर्स्ट टाइम ही आपको समझाया था लास्ट क्लास में कि आपकी जो एरिया होती है मीन्स इसको, ठीक है, जहां पे आप क्या करते हो वर्क करते हो वो किस फॉर्म में होती है आपकी, एक टेबल के फॉर्म में। और ये टेबल फॉर्म क्या होता है आपका, जो भी रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन में क्रिएट होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं। आप यहां देख सकते हो ये आपका रो है एंड ये क्या आपका कॉलम है आपका, ये एक टेबल के फॉर्म में आपका क्रिएट है। इसको हम क्या कहते हैं, अगर हम एक्सेस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जो एरिया होता है इसे हम डेटा शीट व्यू कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे क्या होते हैं जो भी डेटा होते हैं उसको हम इसी डेटा को टेबल हमारा रो एंड कॉलम के फॉर्म में हम क्या करते हैं एक्सेस करके लिखते हैं इसमें हम। अब हम देखते हैं इसमें हम कैसे वर्क करते हैं। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले स्टूडेंट, मान लीजिए हमें कोई छोटा सा डेटा क्रिएट करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्रिएट पे जाओगे, आप क्रिएट में जाकर के आप पर देखिए टेबल डिजाइन है, टेबल डिजाइन पे क्लिक करेंगे हम। ओके, अब ये क्या कह रहा है हमसे, टेबल डिजाइन में भी आप जा सकते हो वहां से जिसमें हमें क्या करना है, जो भी डेटा लिखना है उस टेबल डिजाइन में कैसे हम डिजाइन करना है हमें टेबल को, उसमें कौन कौन से डेटा चाहिए, किस किस नाम से हम चाहिए, तो ठीक है उसके हम क्या करते हैं उसका नाम देते हैं। जैसे सपोज मैंने अभी कहा था कि अगर हमें डेटा में आपका डेटा चाहिए तो हम क्या ले सकते हैं, आपके डेटा में आपका नाम लेंगे, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ आपकी रहेगी, यही सब रहेगा। तो सेम उसी नाम क्या उसका एक फॉर्मेट क्रिएट करते हैं कि हमें चाहिए क्या, एक स्टूडेंट से हम क्या क्या हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, उससे हम क्या क्या लेना चाहेंगे, उसकी क्या क्या डेटा हम फीड करना चाहते हैं, तो उसी का एक फॉर्मेट क्रिएट करते हैं। फॉर्मेट क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, आप यहां से भी जा सकते हो क्रिएट से, क्रिएट में जाकर के आप टेबल डिजाइन में जा सकते हो आप, या फिर अगर आप जाते हो कि हम यहां से ना जाकर के, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है, एक तो आप क्रिएट से जाकर के आप टेबल डिजाइन में जाओगे जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि कैसे आपको जाना है, और अगर अदरवाइज अगर वहां से आप नहीं जाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप होम पे रहोगे, आप होम में जाकर के ही आपका ये देखिए साइड में क्या है, एक व्यू ऑप्शन है, ठीक, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको दो चीज शो कर, दो से तीन चीज शो करेगा फिलहाल, देखिए यहाँ पे चार चीज आपका है, यहाँ पर डेटा शीट व्यू हो गया, पोर्टेबल सॉरी पायो टेबल हो गया, पायो चार्ट हो गया एंड डिजाइन व्यू हो गया। तो अभी आपको मैंने बताया था जिसपे आप वर्क करते हो वो आपका क्या होता है, डेटा शीट व्यू होता है। अब हमें क्या करना है, इस पे एक टेबल डिजाइन करना है, ठीक है, तो यदि हम जो भी टेबल डिजाइन करेंगे तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, एक तो मैंने बताया आपको क्रिएट में जाकर के आपको टेबल डिजाइन में जाना है, और दूसरा ऑप्शन क्या है, आप इस व्यू में जाकर के जैसे ही क्लिक करोगे देखोगे आप यहाँ पे क्या है, डिजाइन व्यू, आप यहां से भी जाकर क्या कर सकते हो, इस डिजाइन को क्रिएट कर सकते हो, हमें क्या क्या चाहिए, जैसे ही आप क्लिक करोगे सेम वही चीज आपका क्या होगा, ओपन हो जाएगा। आप तो कहोगे सर ये तो आपका पहले से ओपन था, तो हम क्या करते हैं आपको हम एक बार करके दिखाते हैं फिर से अगेन। ये आपकी ब्लैंक शीट आ गई, एक क्रिएट मैंने करके दिखा दिया था, अब हम व्यू में जाते हैं एंड डिजाइन व्यू में जाएंगे, जब यहाँ पे क्या आएगा आपको टेबल सेव करने के लिए कहेगा, सबसे पहले कि उस समय तो उसमें नहीं आया था लेकिन इसमें आ गया, आपका कहेगा कि आप जो भी टेबल बना रहे हो उसको किस नाम से सेव करना चाहते हो, यदि आप नहीं कोई नाम दोगे तो वो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट आपका टेबल वन के नाम से सेव करेगा। ये देखिए आपका यहाँ भी शो कर रहा है, यहाँ पे नाम देने की कह रहा है, यदि आप बाय डिफॉल्ट नहीं सेव करते हो किसी ना कोई नाम नहीं देते हो
देखिए यहाँ पर आपका एक नाम देगा उस फाइल का और एक फाइल का ये है आपका नाम देगा, ये मैंने बताया था। अब क्या है ये, जिससे हम क्या कहते हैं, कौन सा एरिया इसे हम कहते हैं, आप लोगों को पता है कौन सा एरिया कहते हैं इसे हम, नेविगेशन पैन कहते हैं। मीन्स जो आपके पास बताता है कि आप कौन सी डेटा सीट यूज कर रहे हो, वो किस नाम का है। ओके तो अब हम क्या करते हैं, सपोज मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों की डिटेल ले रहा हूँ, स्टूडेंट डिटेल्स, यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टूडेंट डिटेल। ओके अब मैंने क्या किया, स्टूडेंट डिटेल्स नाम दे दिया और फिर हम क्या किया, ओके कर देंगे। तो अब आप देखोगे यहाँ पर कि टेबल की वन की जगह आपका स्टूडेंट डिटेल्स आ गया और यहाँ भी क्या आ गया आपका, स्टूडेंट डिटेल्स। ओके तो आई होप आप लोग समझ गए होगे कि ये कैसे वर्क कर रहा है। अब देखिए हम इसमें कैसे अब बात करते हैं, किस तरह से हम इसमें डेटा को एंटर करेंगे। ठीक है तो अभी फिलहाल बताते हैं, अब इस थोड़ा सा इसके बारे में और आगे देखते हैं कि पहले क्या है, इसको हम आगे बताएंगे। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या बता रहा है आपका, व्यू ऑफ टेबल्स, व्यू ऑफ अ टेबल, व्यू ऑफ अ टेबल मीन्स क्या होता है कि अभी जैसे मैंने स्टूडेंट्स आपको दिखाया था, ठीक है, तो आपने क्या किया था, आप व्यू पे गए थे, वहां पे होम पे जाकर के व्यू मैंने क्या किया, व्यू वैसे ही उसे ही कहते हैं जिसे ही जो टेबल था, मैंने व्यू किसका व्यू था, वो टेबल का ही व्यू था। आप क्रिएट से गए थे टेबल डिजाइन में, तो वो भी क्या था, टेबल का ही व्यू था। जो आप व्यू में आपके साइड व्यू था वो भी टेबल का ही व्यू था। जैसे ही आपने क्लिक किया था, मैंने बताया था ना आपको, लिस्ट दिखाई थी, वहां क्या क्या शो कर रहा था आपका, कई सारे थे, लेकिन जब आपने उस व्यू में जाके देखा तो आपके पास दो ऑप्शन आपको दिखाया था, टू टाइप्स में आपको कौन सा, वो डेटा सीट व्यू एंड अ डिजाइन व्यू, आप लोगों ने देखा था अभी। तो अब हम बात करते हैं डेटा सीट व्यू के बारे में। डेटा सीट व्यू क्या होती है, इन दिस व्यू द टेबल इज डिस्प्लेड एज अ ग्रिड विच फॉर्म रोज एंड कॉलम्स। अभी मैंने बताया डेटा सीट व्यू क्या था, कि आपने जैसे ही व्यू एक बार हम आपको दिखाई देते हैं, ये आपका क्या है, डेटा सीट व्यू, जो कि अभी मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है आपका, रो एंड कॉलम के फॉर्म में था, जो कि अभी मैंने दिखाया था आपको। ठीक है तो ये आपका लिखा हुआ है, क्या है, विच फॉर्म रोज एंड कॉलम। ठीक, जो कि आपको क्या होता है कि ये रो एंड कॉलम के फॉर्म में टेबल मतलब होती है, जिसे हम डेटा सीट व्यू कहते हैं। ओके अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू क्या होता है, इन दिस व्यू You can enter the field names, specify their data type and add the relevant description. Means आप क्या करते हो कि जो अभी मैंने आपको बताया था, जब आप व्यू आप ऑप्शन में गए थे और व्यू में आपने डिजाइन व्यू गए थे, तो आपको क्या एक टेबल की तरह दिखा था जिसे हम डिजाइन व्यू कहते हैं, जहां पे आपको जो भी फील्ड चाहिए होती है, कौन सा डेटा आपको डेटा टाइप चाहिए और क्या क्या उसमें आपकी रिक्वायरमेंट है उस डेटा टाइप में, आप उस फील्ड को क्या करते हो, फिल करते हो। मीन्स मैंने बताया था ना, एक नॉर्मल सा डेटा आप क्या स्टूडेंट में ले सकते हो, आपका स्टूडेंट नेम लोगे आप, फादर नेम लोगे आप, ठीक है, मदर नेम लोगे, डेट ऑफ बर्थ लोगे, ये क्या एक स्मॉल डेटा है जिसको हम क्या करते हैं, उसकी एक डिजाइन क्रिएट करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, डिजाइन व्यू कहते हैं। इस डिजाइन व्यू में अब देखिए हम आपको दिखाते हैं, व्यू में हम गए, जैसे ही गए हम डिजाइन व्यू में जाएंगे और फिर मैं क्या कहता हूं, यहाँ पे उस अपना नाम लिख देंगे जिसमें हम जो भी सेव करना चाहते हैं डेटा सीट को, जिस नाम से स्टूडेंट स्टूडेंट डिटेल, आपके नाम से ये बना। जैसे ही क्लिक किया, देखिए आपके यहाँ क्या आ गया, आपका एक डिजाइन व्यू आ गया, जहां पे हमें क्या करना है कि हमें जो जो भी डेटा जिस जिस टाइप का चाहिए, हम उस टाइप उस फील्ड को यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ओके तो चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले तो आपका बाय डिफॉल्ट आपका आईडी नंबर आएगा, आईडी यहाँ पे करेगा एंड ऑटो नंबर ही करेगा। ये क्या करता है आपका, ऑटोमेटिक आपके एक सीरियल जनरेट करता है। आप जैसे ही आप वहां पे करोगे, अभी हम आपको दिखाएंगे, तो इसको क्या करते हैं, हम एक बार ड्रॉप करते हैं, अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे कुछ लिखना तो लिख सकते हो आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, यदि आप नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं है। ठीक है तो आप इसके आगे भी इसको आप ड्रॉप कर देते हो, आप
आपको करना हो जो भी करना हो आप वो भी कर सकते हो, आपका दोनों ऑप्शन है, आपको जो भी चूज करना है वो आप कर सकते हो। ओके अब हम बात करते हैं इसके नीचे, हम इसको हम क्या करेंगे, हम ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप करने के लिए इंटर करते जाएंगे ऑटोमेटिक, फिर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। हम क्या करें नेक्स्ट लाइन पे आएंगे नीचे, क्या करें इंटर करते जाते हैं, इंटर करते जाएंगे तो क्या होगा आपका नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा नेक्स्ट होकर, और यहाँ पे हम सपोज छोटा सा हम एक डेटा क्रिएट करते हैं स्टूडेंट नेम। फिर अब आपका देखिए ये फील्ड नेम तो आ गया आपका, अब इसमें क्या पूछ रहे हैं आपका कि ये आप जो फील्ड यूज कर रहे हो वो किस टाइप का डेटा आप यूज कर रहे हो, तो इसके भी आपके कई सारे टाइप्स होते हैं स्टूडेंट, आपको हम इसमें लिस्ट दिखाते हैं और वो कौन कौन से टाइप होते हैं। देखिए ये आपके डेटा टाइप की एक लिस्ट आ गई जिसमें आपको लिखा हुआ पहला टेक्स्ट है, फिर आपका मेमो है, नंबर है, डेट एंड टाइम हो गया, करेंसी हो गया, ऑटो नंबर हो गया, यस और नो हो गया, वैल्यू ऑब्जेक्ट हो गया, हाइपरलिंक अटैचमेंट एंड लुकअप विजार्ड। इसके बारे में भी हम वन बाई वन आपको डिक्लेयर क्लियर करके समझाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी आप देखिएगा सबसे पहले मैंने क्या किया स्टूडेंट नेम दिया, स्टूडेंट नेम किस टाइप का आपका है टेक्स्ट टाइप का है, तो हमने क्या किया टेक्स्ट लिख दिया। ओके तो आपका ये हो गया। अब मान लीजिए अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई भी अगर हम नंबर देना चाहते हैं, मान लीजिए हमने कोई अगर ये आपका टेक्स्ट हो गया आपके लिए, और फिर मान लीजिए अगर मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करते हैं क्लास देना चाहते हैं, हम किस क्लास में बच्चा पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे पहले इंटर करके चले जाएंगे हम। अब यहाँ मान लीजिए हमने क्लास दे दिया, क्लास हमारा क्या है किस टाइप का है आपका नंबर है, इसलिए एन लिखा और यहाँ पे नंबर ऑटोमेटिक आ गया। फिर सपोज मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं फादर नेम दे दे रहे हैं बच्चे का, बच्चे के पिताजी के नाम, इंटर करेंगे, ये भी क्या आपका टेक्स्ट है। अब मदर नेम, ये भी क्या आपका टेक्स्ट है। ओके अब मान लीजिए हम इसमें और कुछ हम ऐड करना चाहते हैं, जैसे आप क्या करते हो कि आप किसी भी इमेज मान लीजिए अपने फाइल्स में आप कुछ ऐसा चीज ऐड करना चाहते हो कुछ एक्स्ट्रा चीज जैसे इमेज हो गई कुछ भी, तो आप या उस फाइल में अपने ऑटोमेटिक आप क्या करते हो ऐड कर, जैसे अपनी फोटो ऐड करना चाहते हो कि हम क्या कि अगर हमारा जो भी इंफॉर्मेशन हो अगर उसमें आप फोटो भी देखना चाहे तो क्लिक करके फोटो हमारी देख सकता है, तो इसके लिए क्या होता है हमारा जैसे आप करते हो और भी सारी कई चीज करते हो, जैसे आप ईमेल यूज करते हो उसमें क्या आता है अगर किसी चीज को अटैच करना होता है अपनी फाइल से हम क्या यूज करते हैं अटैचमेंट का यूज करते हैं, तो सेम आप यहाँ भी काम कर सकते हो कि अगर हम इसमें फोटो अपनी अटैच करनी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे फोटो एंड नेक्स्ट कॉलम में अटैचमेंट। मैंने बताया था ना आपको एक लिस्ट आती है इस तरह से, ये इसी में सब कुछ दिया होता है, यदि आपको क्वेश्चन करना होता है यस और नो कर सकते हो, यदि आपकी कोई करेंसी है जैसे आपकी जो भी करेंसी इंडियन की होती है आपका रुपीज होता है, आप और कहीं की बात करो जापान के तो येन होता है, बांग्लादेश की बात करो तो टका होता है, इस तरह अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। फिर बात करते हैं हम डेट एंड टाइम की, तो आप इसमें अपनी डेट एंड टाइम दे रहे तो किस समय आपने रिकॉर्ड मतलब प्रिपेयर किया हुआ तो उसकी डेट दे सकते हो, किस टाइम पे दिया है वो भी आप कर सकते हो कि आपने टाइमिंग मैंने इस टाइम के साथ तो हम इस समय क्या कर रहे हैं हमने इसमें डेटा क्रिएट किया था जो भी आपका टाइमिंग है। ओके अब मान लीजिए सपोज आप अपना डेट ऑफ बर्थ देना है तो डेट ऑफ बर्थ भी किसमें जाएगा आपका डेट ही तो है ना वो, इसलिए हम डेट एंड टाइम में ही बोल सकेगा। ओके फिर अब हम बात करते हैं ऑटो नंबर, ऑटो नंबर मतलब क्या होता है आपने देखा था वहां पर ऑटो नंबर, ऑटो नंबर क्या होता है कि ये खुद ऑटोमेटिक ये नंबर क्या होता है जनरेट कर लेता है सीरियसली, इसलिए मैंने क्या किया कि ये आईडी क्या किया ऑटो नंबर रख दिया, मीन्स कर मतलब जितने भी हम जैसे जो भी हम क्रिएट करते जाएंगे अभी हम आपको दिखाएंगे ये ऑटो नंबर क्या होगा ऑटोमेटिक जनरेट होगा आपका सीरियल से। ओके फिर उसके बाद आपका हाइपरलिंक की बात करते हैं, हाइपरलिंक क्या होता है जैसे अभी आप स्टूडेंट क्या करते हो कि मैंने आपको चलिए ठीक है हम बता देते हैं, आपने कभी कभी वेबसाइट देखा होगा कि जब भी आप वेबसाइट ओपन करते हो कोई वेब पेज ओपन कर रहे हो किसी कंटेंट के बारे में तो उससे क्या कई सारे लिंक ओपन आपके सामने पेज ओपन होते हैं, कई सारे लिंक उस पे उस टॉपिक के बारे में होते हैं, वो क्या होता है एक मतलब ब्लू कलर का होता है
जो कि उसमें क्या होता है लाइनिंग होती है, जैसे ही आप माउस को लेके जाते हो वहां पे क्या होता है हैंड बन जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं हाइपर लिंक कहते हैं। जो कि क्या होता है हाइपर लिंक, मतलब होता है कि वो हाइपर लिंक का काम क्या होता है कि उस लिंक को कई सारे वेब पेजों से आपस में कनेक्ट कर देना, कि आप उस लिंक के थ्रू आप अनदर वेब पेज पर भी जा सकते हो। तो सेम काम आपका यहाँ पे होता है। जैसे मैंने कर लिया अटैचमेंट फोटो कर लिया, अब मान लिया हमको करना है क्या ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी को क्या करेंगे हम हाइपर लिंक करेंगे, जैसे ही अगर हम क्लिक करें उस पे तो हमारी ईमेल आईडी ओपन हो जाए। ओके तो चलिए आपको हम करके दिखाते हैं। ईमेल आईडी आपका हाइपर लिंक में रहेगा क्योंकि आपको क्लिक करके ही तुरंत दूसरे पे जाना है, बस इतना ही डेटा रखते। चलिए एक और चीज हम बता देते हैं आपको इसमें। मान लीजिए हम सिटी यहाँ पे दे रहे हैं, अब सिटी हमारा क्या रहेगा, टेक्स्ट है ये, आप लोग कहोगे ये टेक्स्ट है। सपोज मान लीजिए स्टूडेंट आपका, आप चाहते हो कि हम डिफरेंट कंट्री का एक लिस्ट बना दें और हमें बार बार यहाँ पर आकर क्या करना, वहां पे चेंज ना करना पड़े, हम केवल चूज करें और हमारा वो वहां पे ऑटोमेटिक लिखना ना पड़े और वो कंट्री का नेम आ जाए या स्टेट का नाम आ जाए, जो भी है डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाए, आप जो भी करना चाहते हो जैसा भी आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। तो अगर आप लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो ये भी आप कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो अभी मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी ये डेटा टाइप लिस्ट, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे लुकअप विजार्ड में जाते हैं हम। लुकअप विजार्ड में जैसे जाओगे आपका एक ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, डायलॉग बॉक्स में आपका सेकेंड ऑप्शन भी आप क्लिक करोगे, यहाँ पर लिखा है आई विल टाइप इन दी वैल्यू दैट आई वॉन्ट, हम उस वैल्यू को लिखना चाहते हैं जो कि हमें चाहिए, उस टाइप की वैल्यू को जिसे हमें एक लिस्ट के रूप में हम चाहते हैं कि वो लिस्ट बन जाए। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करेंगे, जैसे ही नेक्स्ट क्लिक करेंगे आप यहाँ पे जितने भी सिटी का नाम दे दोगे, जो भी आप स्टेट का नाम जो भी देना है आपको, वो आप यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। चलिए हम क्रिएट करके दिखाते हैं। सबसे पहला दिल्ली, फिर कानपुर, फिर लखनऊ, फिर प्रयागराज, फिर आप जो भी लेना चाहो आगरा, बस इतने ही लेते हैं। फिर क्या करेंगे हम उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखिए आपसे पूछेगा कि यहाँ पे आप देखिए डू यू वॉन्ट टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज फॉर दिस लूप, मीन्स ये कह रहा है अलाउ मल्टीपल वैल्यूज, मीन्स कहने मतलब जैसे आप एक से दो सिटी को आप चूज करना चाहते हो, दो से ज्यादा मतलब एक से ज्यादा सिटी को यूज करना चाहते हो, तो आप मल्टीपल वैल्यूज पे यहाँ पे क्या करो क्लिक कर दोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका क्या होगा एक चेक बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना, अगर वन चूज करना है तो आपको इसे हटाना होगा, इसको चूज करने की जरूरत नहीं, इसे हम ड्रॉप कर देंगे। और ड्रॉप कर क्या करेंगे हम यहाँ पर देखिए फिनिश का ऑप्शन है और यहाँ पे क्या करेंगे हम इसे फिनिश करेंगे, ये हम फिनिश कर रहे हैं। जैसे ही हमने फिनिश किया ये आपका हो गया, ये अब इतने ही क्या हो गए आपके क्रिएट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमें कहाँ जाना है, हमें ये तो आपको क्या रहा डिजाइन व्यू था, हमें कहाँ जाना है डेटा शीट व्यू में, फिर क्लिक करेंगे एंड डेटा शीट व्यू पे आ जाएंगे। और जैसे ही आप कह रहा है कि डू यू वांट टू सेव द टेबल नाउ, आप इस जो टेबल क्रिएट किए उसे आप सेव करना चाहते हो, हम कहेंगे क्या यस। तो देखिए आप देखिए यहाँ पर टेबल का पहले कैसे था और अब कैसे है, ये देखिए आपकी ये टेबल फॉर्मेट क्या हो गई क्रिएट हो गई। सबसे तो पहले आपका क्या था स्टूडेंट नेम आप दिया था, टेबल को आपकी आईडी थी जो बाय डिफॉल्ट थी, स्टूडेंट नेम आया था उसके बाद दिए थे, फिर क्लास दिए थे, फिर फादर नेम मदर नेम, फिर अटैचमेंट लगाया था, फिर आपने ईमेल आईडी दिया, फिर सिटी दिया था, इतना ही तो दिया था। अब हम क्या करते हैं चलते हैं हम डेटा फिल करते हैं कि डेटा को हम फिल कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं।
अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे था, आपको एक कॉलम से सेकंड कॉलम में जाने के लिए वहां पे क्या करते थे, हम एंटर करते थे, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर आप लेफ्ट एरो का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर माउस क्लिक करके भी आप वर्क कर सकते हो। वहां भी था माउस क्लिक करके वर्क कर सकते थे, एंटर कर सकते थे, लेकिन आपको यहाँ एंटर करेंगे तो आप नीचे आ जाएंगे, ठीक है। चाहे आप एंटर करके भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, एरो से भी लेंटर से भी, जैसे भी आप करना चाहो, जो भी करोगे आप सेम आ जाओगे, ठीक है। आप जैसे भी वर्क करना चाहो, एंटर करोगे तो भी आपका नेक्स्ट कॉलम में चला जाएगा। हम चलते हैं फिल करते हैं फिलहाल, आप देखोगे जैसे हम फिल करेंगे तो ये जो ऑटो नंबर था आप यहाँ देखोगे ऑटोमेटिक क्या लिख करके आ जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा, फिर सेकंड पे टू आ जाएगा, ऐसे ही ऑटोमेटिक आएगा। हम दिखाते हैं, फर्स्ट नेम मैं ले रहा हूँ अभिषेक, देखिए आपका आ गया ना, जैसे हमने लिया और इसने क्या किया, सीरियल नंबर को शो कर दिया, मीन्स वन आ गया। फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, क्लास डालेंगे, हम क्लास मान लीजिए एट क्लास में है, फादर नेम आप जो भी देना चाहो, सुभाष दे दिया, मदर नेम कल्पना, एंड आप फाइल को अटैच करना चाहते हो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे आप, आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, टाइम ले रहा है काफी, चलिए ये आ गया आपका। अब हम क्या करेंगे, यहां से ऐड करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, जैसे ही हम ऐड करेंगे आपसे पूछेगा आपकी लोकेशन की, आपकी फाइल कहाँ रखी हुई है, या इमेज कहाँ रखा है, फोटो कहाँ रखा है। तो मान लीजिए हमने बाय डिफॉल्ट अगर पिक्चर में रखा हुआ है, कोई छोटी सी इमेज लेके लेते हैं, जहाँ पे बताते हैं इमेज पिक्चर्स में रखा हुआ, पिक्चर्स में गए आपने इस नाम पे रखा हुआ, कोई भी आप मान लीजिए कोई फोटो आपकी है, मान लीजिए जो भी है, तो आप अटैच करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, क्लिक करोगे और फिर यहाँ क्या करोगे, ओके करोगे। जैसे ही आप करोगे देखिए यहाँ पहले जीरो था, अब आपको क्या हो गया, एक फाइल आपकी अटैच हो गई, मीन्स आपने क्या किया, फाइल को एक अटैच कर दिया। अब हम बात करते हैं ईमेल आईडी की, तो देखिए जैसे ही हम स्टूडेंट आपको पहले बताए थे कि जब भी हम कोई ईमेल आईडी में जो भी अटैचमेंट हाइपरलिंक क्या होता है, कि जब भी हम कोई भी टेक्स्ट लिखा हो तो क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, तो हम यहाँ पे जो भी चीज लिखेंगे वो आपकी ब्लू कलर की हो जाएगी, मीन्स हाइपरलिंक है। कोई भी ईमेल आईडी डालते हैं हम, ये देखिए आपका क्या हो गया, ब्लू कलर का हो गया, ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ पे माउस लेके आएंगे देखिए यहाँ पे आपका हैंड बन जाएगा, और जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगी, वो ईमेल आईडी आपके सामने, अगर इंटरनेट का कनेक्शन है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी ओपन हो जाएगी, और आप इस फाइल को आप अपने मेल पर भी सेंड कर सकते हो, या कहीं और सेंड करना चाहते हो तो आप उसके थ्रू, ईमेल के थ्रू आप कर सकते हो। फिर इस तरह हम क्या करेंगे, सिटी नेम, सिटी नेम में मैंने क्या कहा था, आपको लिस्ट बनाया था आप लोग, हम क्या करें देखिए यहाँ पे लिस्ट का ऑप्शन आ गया, जैसे क्लिक करोगे देखिए कई सारी लिस्ट आएगी, जो भी आपने स्टेट का नाम दिया था, ठीक है, तो ये आपको क्या हो गया, लिस्ट आ गई, या जो भी सिटी का नाम दिया, जो भी आपने दिया, तो आप इसमें से जो भी चूज करोगे उसको सिंगल यूज होगा, आप चाहे मल्टीपल इसमें यूज चूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उस चॉइस का, मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन आपने नहीं यूज किया था, इसलिए हम यहाँ पे सिंगल यूज कर सकते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे डिलीट लिया, फिर खत्म हो गया। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे आपकी नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगी। इसमें हम क्या करेंगे, एक छोटी सी और क्रिएट करते चले जाएंगे डेटा, आपको जितना क्रिएट करना है आप उतना क्रिएट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं आप नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि क्या क्या हुआ, कैसे किया जाता है, और क्या क्या चीज कहाँ पे होती है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या, आपका स्टूडेंट यहाँ डिस्क्राइब कर रहा है डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू में अभी मैंने आपको समझा दिया था क्या क्या होता है। सबसे पहला आपका है इसमें, आपकी ये डिजाइन व्यू टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट आपका है फील्ड डिफिनेशन ग्रिड, एंड सेकंड आपकी टॉपिक सेकंड टाइप से आपका फील्ड प्रॉपर्टीज पेन। आपने फर्स्ट आपने देखा था फील्ड डिफिनेशन ग्रिड, मीन्स क्या होता है कि जो भी आप फील्ड क्रिएट कर रहे थे वो कौन सी डेटा टाइप का है,
और कौन सा आप फील्ड यूज कर रहे हो उसके बारे में आपने डिस्क्राइब करके आपने एक डेटा क्रिएट किया था टेबल को, ठीक है। तो आपने क्या किया था, आपने उसे किया और देखने से हम कहते क्या है, ये आपका सेम लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको समझाया था, यू कैन स्पेसिफाई द फील्ड नेम्स एंड डेटा टाइप्स फॉर द टेबल, यू कैन ऑल्सो एड अ डिस्क्रिप्शन फॉर ईच फील्ड, मीन्स आप हर एक फील्ड के डिस्क्रिप्शन को आप एड करना चाहते हो तो आप इस फील्ड डिफिनेशन फील्ड में आप उसे एड कर सकते हो और उसके डेटा टाइप्स बता सकते हो कि वो किस डेटा टाइप का है। जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया था, दिखाते हैं हम किसे हम कहते हैं फील्ड डिफिनेशन ग्रिड। आप हम क्या कहते हैं डिजाइन मोड में गए थे आपके टू टाइप का था, इसे हम कहते हैं फील्ड डिफिनेशन ग्रिड, ओके। और फिर सेकेंड आपका ये होता है आपका फील्ड प्रॉपर्टीज, जिसे हम कहते हैं, यहां देखिए आपका सेकेंड क्या था, फील्ड प्रॉपर्टीज पैन। तो यही आपका क्या है, आपका फील्ड प्रॉपर्टीज है, जिसमें कई सारी आपकी प्रॉपर्टीज जो भी आपके टेक्स्ट का जो भी है इससे रिलेटेड भी पूरी प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर शो करती है। फॉर्मेट कैसा है, फील्ड साइज क्या है, फॉर्मेट क्या है, इनपुट मास्क कैप्शन क्या हो गया, डिफॉल्ट वैल्यू आप क्या देने रहते हो, वैलिडेशन क्या देने रहते हो, वो सब ऑटोमेटिक यहाँ पे आता रहता है। यदि भी चाहते हो तो यहाँ पे आप दे रहे हो, जैसे मान लीजिए डिफॉल्ट वैल्यू, जैसे अभी हम सिटी का ले रहे थे तो आपने सिटी में क्या किया, एक ऑप्शन दिया था कि आपने कई सारे उसमें सिटी का नाम इनपुट किया, जिससे क्या हुआ उसमें अब जो भी अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं उसे हम उसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी हम चूज करें वो हो सकता है। अगर आपने डिफॉल्ट वैल्यू डाल दिया, जो भी अगर एक सिटी डाल दिया तो आप क्या करेगा, वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, उसी सिटी को ही वो एक्सेप्ट करेगा। आप जैसे इंटर करोगे तुरंत नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा, सेम सिटी। मान लीजिए जैसे कोई कई सारे लोग होते हैं एक ही सिटी के होते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, सिटी की अगर होगी वो एक ही सिटी के पर्सन है, एक ही सिटी में रहने वाले हैं कई सारे लोग, तो आप डिफॉल्ट वैल्यू चूज कर सकते हो, जिसमें क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट वो सिर्फ एक ही सिटी का नाम एक्सेप्ट करेगा, ओके। अब फॉर्मेट के बारे में अगर हम बात करते हैं, सेकंड ऑप्शन आपका है फिर फील्ड साइज हो गया आपका, कि आप कितनी साइज का यूज कर रहे हो, आप जो भी आप फील्ड ले रहे हो फील्ड नेम वो कितनी बड़ा है, कितना। फिर हम बात करते हैं फॉर्मेट की, तो दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज हाउ द डेटा इज इन अ फील्ड विल बी डिस्प्लेड, मीन्स आपका जो ये किस जो प्रॉपर्टीज है वो किस तरह से आपको फील्ड हो रहा है उसके बारे में बताएगा, और किस तरह से फील्ड मतलब वो डिस्प्ले करेगा, ठीक है। द ऑप्शन इन दी फॉर्मेट प्रॉपर्टी चेंज एज पर द डेटा टाइप, और जो भी आपका डेटा है मीन्स उसके अकॉर्डिंग उस फॉर्मेट की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग वो चेंज करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था जो भी आपने लिया था डेटा नंबर, ये टैक्स था क्या था, जो भी हाइपर लिंक क्या है उसके बारे में चेंज करता है कि आपने किस फॉर्मेट का यूज किया हुआ है। फिर हम बात करते हैं इनपुट मास्क की, तो इनपुट मास्क क्या होता है, इट डिफाइन द पैटर्न फॉर द डेटा दैट इज स्टोर्ड इन द फील्ड, मीन्स आप किस टाइप का इनपुट ले रहे हो और उसके बारे में कौन सा डेटा इनपुट कर रहे हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे इनपुट मास्क कहते हैं। फिर हम बात करते हैं कैप्शन, मीन्स कैप्शन में क्या होता है कि आपको डेटा शीट व्यू में जो भी आपने क्या नाम दिया क्या फील्ड दिया उसके बारे में बताता है, उसकी हेडिंग क्या है क्या है उसी के साथ सब इसी के बारे में बताता है। फिर हम बात करते हैं डिफॉल्ट वैल्यू, अभी मैंने आपको समझा दिया डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है आपसे, की बाय डिफॉल्ट जो भी आप सेट करना चाहते हो वो आप सेट कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं वैलिडेशन रूल्स की, वैलिडेशन रूल क्या होता है आपका, दिस इज एन एक्सप्रेशन दैट लिमिट द वैल्यू दैट कैन बी एंटर्ड इन द फील्ड, मींस इसकी एक लिमिटेशन होता है, जैसे आप कोई तो कि आप इससे ज्यादा वैल्यू आप एक्सेप्ट मतलब नहीं कर सकता है, ये कि अगर मान लीजिए 100 दे दिया आपने तो एक लिमिटेशन दे दिया कि आपने क्या किया, एक लिमिटेशन दिया कि आप इससे ज्यादा वैल्यू आप यहाँ पर एंटर, आपने क्या किया सपोज 5 दे दिया तो आप 5 से ज्यादा वैल्यू इंटर को नहीं कर सकते वैल्यू इंटर, ठीक है। फिर इसके बाद आपका वैलिडेशन फैक्ट, तो इट कस्टमाइज द एरर दैट अपीयर्स व्हेन यू इंटर अ वैल्यू दैट इज प्रोहिबिटेड बाय द वैलिडेशन रूल, यानी मींस क्या होता है, यदि आप उस टेक्स्ट की जो लिमिटेशन आपने दी हुई है, अगर उस टेक्स्ट से 5 करेक्टर हो गया 6 करेक्टर हो गया जो भी आप दे रहे हो टेक्स्ट में, यदि उससे आप आगे शो करोगे तो उसमें क्या आगा एरर आ जाता है, उसके बारे में बताता है आपको। फिर रिक्वायर्ड, आप क्या रिक्वायर्ड है, यदि आप इस पर वर्क करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, यस या नो में ऑप्शन आपको देना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह आगे और भी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ देख सकते हो आपके यहाँ पर शो कर रहा है हर एक प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोग समझे हो गए अच्छे से ये सब क्या है, किसको हम डिफिनेशन लिस्ट क्या होती है आपकी एंड फील्ड प्रॉपर्टीज क्या होती है।
ठीक है, मीन्स फील्ड इक्वेशंस एंड द फील्ड प्रॉपर्टीज। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे देखते हैं क्या नेक्स्ट पॉइंट है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। स्टूडेंट अभी आपको मैंने बताया डेटा टाइप क्या क्या होते हैं, ये इसके बारे में आपको मैंने बता दिया कि आपके जो डेटा टाइप होते हैं, जो कि अभी आप लोगों ने लिस्ट में देखा था कि कौन कौन सा होता है, जैसे टेक्स्ट हो गया, नंबर हो गया, कि जो भी आपने अभी देखा था, एक बार और आपको दिखा दे रहे हैं। ये आपकी डेटा टाइप्स हैं जो कि आपकी एक लिस्ट में शो होती है, जिसमें अभी आप लोगों ने देखा था मेमो, नंबर, डेट एंड टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, यस सर, यस सर, नो, हाइपरलिंक अटैचमेंट एंड लुकअप विजार्ड। ये सब मैंने बताया था आपका यूज किस लिए होता है। एक बार मैं फिर आपको रिवाइज कराता हूँ कि नंबर के मैंने बताया था, जैसे आप फर्स्ट है आपका टेक्स्ट, टेक्स्ट क्यों होता है, जैसे अगर कोई भी टेक्स्ट टाइप का अगर आप डेटा टाइप फील्ड नेम यूज कर रहे हो तो हम डेटा टाइप वो किस टाइप का हो जाएगा, आपका टेक्स्ट हो जाएगा। यदि फील्ड नेम अगर आप नंबर कोई ले रहे हो, मीन जैसे आपने मैंने यहाँ मेंशन किया आपका रोल नंबर, तो आपका वो क्या है, रोल नंबर में क्या आएगा, आपका नंबर ही आएगा, इसलिए आपका डेटा टाइप यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। और फिर अगर हम कोई भी मान लीजिए, फिर अगर मान लीजिए जैसे सपोज अगर हम ईमेल आईडी आप मतलब एंटर कर रहे हैं फील्ड नेम में, तो ईमेल आईडी क्या होती है आपकी, एक हाइपर लिंक में होती है। मीन्स अगर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह अगर मान लीजिए आपका ईमेल आईडी में एक ऑप्शन आता है आपका, जैसे कोई फाइल आप अटैच करना चाहते हो, मान लीजिए सपोज अपनी फाइल में एक फोटो लगाना चाहते हो, उस फाइल में अपनी फोटो अटैच करना चाहते हो कि हम चाहते हैं कि हमारी जो भी फाइल रहे वहाँ पे फोटो शो हो, तो आप इसके लिए क्या यूज करोगे, आप अटैचमेंट यूज करोगे। और एक और अब मैंने आपको बताया था फील्ड नेम में जो सिटी है, सिटी आपकी क्या होती है, सपोज सभी स्टूडेंट की एक ही सिटी तो नहीं होगी, अधिकतर मोस्टली अधिकतर स्टूडेंट की होगी आपकी एक सिटी, लेकिन कई सारे स्टूडेंट की अलग अलग सिटी होती है। तो इसमें मैंने बताया था आपको कि ऑप्शन चॉइस का होता है, इसके लिए हम कौन सा डेटा यूज करते हैं, लुकअप विजार्ड का। लुकअप विजार्ड में आपको मैंने दिखाया था कि आप क्या कर सकते हो, कैसे अपने उसमें सिटी नेम का यूज कर सकते हो। एक बार मैं फिर आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। मान लीजिए सपोज आपने यहाँ पे दिया हुआ है सिटी में, यहाँ पर आपने दिया लुकअप विजार्ड, चूज किया लुकअप विजार्ड में आपका ये ऑप्शन आता है, आई विल टाइप द वैल्यूज दैट आई वांट। फिर इसके बाद हम क्या करें, नेक्स्ट करेंगे, और फिर यहाँ पे जितने भी डेटा सिटी नेम है आप यहाँ मेंशन कर दोगे अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको देना है। आपको जो भी देना है आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे, मेंशन करने के बाद नेक्स्ट करोगे। और यदि आपको यदि आप चाहते हो कि एक से अधिक सिटी का नाम देना चाहते हो, तो यहाँ पे अलाउ मल्टीपल वैल्यूज लिखा हुआ है, यहाँ पे आप चेकबॉक्स क्लिक करोगे तो आप क्या करो, मल्टीपल सिटीज का नाम एक साथ आप चूज कर सकते हो। लेकिन हम क्या करेंगे, सिर्फ हमें एक ही सिटी का चूज करना है, इसलिए हम यहाँ पे चेकबॉक्स का यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ हम क्या करेंगे, फिनिश देंगे यहाँ पर। और फिनिश देने के बाद अब हम चलते हैं अपने वहां पर डेटा व्यू पे, डेटा शीट व्यू पर। डेटा शीट व्यू पर जैसे ही आएंगे सेव करेंगे, ओके, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या आया, देखिए आपकी ये पूरा फील्ड प्रिपेयर हो चुका है डेटा शीट का, कि किस तरह से हमारा फॉर्मेट है, ये आपका प्रिपेयर हो चुका है। हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर क्या नेक्स्ट टॉपिक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिंग टेबल्स इन डिजाइन व्यू, ठीक है स्टूडेंट। हम इसमें क्या करते हैं, अगर कोई भी न्यू टेबल हम ऐड करना चाहते हैं, तो इसमें हम जैसे अभी फर्स्ट आपने टेबल ऐड किया था, सेम उसी टाइप का आप न्यू एक टेबल ऐड करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, क्रिएट पे जाओगे आप एंड फिर टेबल यहाँ पे जाओगे आप, टेबल पर जैसे आप टेबल क्लिक करोगे आपकी एक न्यू टेबल आ जाएगी। आप यहाँ से एक न्यू टेबल क्रिएट कर सकते हो, जैसे आपने फर्स्ट टेबल क्रिएट किया था, सेम आपका यहाँ पे सेकंड टेबल भी आप क्रिएट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है सेटिंग द डेटा टाइप, मीन्स डेटा टाइप में कैसे हम सेटिंग कर सकते हैं, वो भी अभी आपने देखा कि कैसे हम जो भी चेंज करना चाहते हैं वो किस तरह चेंजेस कर सकते हैं। एंड फील्ड आपका है सेटिंग फील्ड प्रॉपर्टीज, ये भी आप लोगों ने देखा था फील्ड प्रॉपर्टीज हम कैसे सेटिंग कर सकते हैं। आपको मैंने ये भी बताया था कि आप जाओ यहाँ डिजाइन व्यू में और आपको मैंने बताया था फर्स्ट वाला क्या होता है आपका फील्ड, आपका फील्ड डिस्क्रिप्शन होता है आपका, और नेक्स्ट नीचे वाला क्या होता है फील्ड प्रॉपर्टीज होता है। अगर आप इस प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो।
जैसे आपको मैंने बताया था फॉर्मेट है हो गया आपका, मोस्टली क्या होता है बाय डिफॉल्ट आपकी फील्ड साइज दी होती है कि आप कितने कैरेक्टर्स का उसमें अल्फाबेट इनपुट कर सकते हो 255, एंड अब फॉर्मेट है अगर आप फॉर्मेट रनिंग करना चाहते हो किस फॉर्मेट रहना चाहिए उसमें आप इनपुट से इनपुट मार्क्स मीन्स जो भी आप इनपुट कर रहे हो ठीक है उसके बारे में बताया तो कैप्शन मीन्स जो भी आप देना चाहते डिफॉल्ट वैल्यू मैंने जैसे बताया आपको सपोज मान लीजिए हम सिटी का नाम ले रहे हैं तो आप चाहते हो मान लीजिए मोस्टली स्टूडेंट अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि कई सारे स्टूडेंट क्या होते हैं एक ही सिटी के होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है अगर हमने एक बार डिफॉल्ट वैल्यू एक सिटी का नाम सेट कर दिया तो बार बार उसी वैल्यू को ही बार बार शो करेगा ठीक है। फिर आपका इस तरह कई सारे ऑप्शन है इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपका है सेविंग अ टेबल, किस तरह से हम टेबल को सेव करते हैं। जैसा स्टूडेंट हमने बताया था आपको कि आप क्या करते हो कि आप यहां पे गए अपना आपने क्या किया सेकेंड टेबल लिया था। जैसे ही आप क्या करोगे डिजाइन में जाओगे एक ऑप्शन आपका आ जाएगा किस तरह से हम डेटा सेव करते हैं, जैसे ये आपका आया ठीक है। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे डेटा सेव करने का ये ऑलरेडी ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे क्या करोगे इसमें अपना टेबल का नाम दोगे, जो भी आप टेबल का नाम दोगे वो आपका नेविगेशन पैन पे भी शो करेगा एंड आपका यहाँ पे जो स्टेटस बार है यहाँ पर भी आपको क्या करेगा शो करेगा। तो आप यहाँ पे अपने टेबल को नाम देकर के सेव कर सकते हो। जैसे सपोज मान लीजिए मैंने दिया स्टूडेंट डिटेल्स दिया और यहाँ पे ओके किया तो आप देखो यहाँ सेकंड टेबल का नाम चेंज हो गया स्टूडेंट डिटेल्स एंड आपका यहाँ पे नेविगेशन पैन पे भी आपको क्या गया स्टूडेंट नेम के नाम से टेबल एक क्रिएट हो गया। तो आप इस तरह से टेबल को सेव कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट आपका है एडिंग टेबल्स इन अ डेटा शीट व्यू, मीन्स हम किस तरह से टेबल डेटा शीट व्यू में हम टेबल कोई भी एड कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको स्टूडेंट बताया था कि आप किस तरह से क्रिएट कर रहे हो टेबल तो उसे ही हम क्या कहते हैं डेटा शीट में टेबल कैसे हम ऐड करते हैं, मीन्स जो भी हमें किस तरह से हमारा क्रिएट करना है टेबल उसके बारे में किस तरह से उसका फॉर्मेट होना चाहिए उसमें क्या क्या होना चाहिए उस फॉर्मेट में उसे ही हम बोलते हैं कि किस तरह से हम डेटा शीट पर हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं, मीन्स किस तरह से हम उसे क्रिएट करना चाहते हैं कैसा उसका फॉर्मेट देखना चाहते हैं उस फॉर्मेट में क्या क्या डेटा हम इनपुट कर सकते हैं वो डिपेंड करता है हम लोगों के ऊपर। जो भी हम डेटा इनपुट करना चाहते हैं उसके लिए हम एक टेबल मीन्स बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था डेटा शीट में जा करके आपने कई सारे टेबल मतलब यूज किया था आपने दिखाते हैं हम आपको। जैसे यहाँ पे गए थे तो आप क्या किए थे यहाँ पे डेटा शीट में गए थे आप डेटा शीट व्यू के बाद आप आए थे यहाँ पे क्या डिजाइन व्यू में। डिजाइन व्यू में आपने ये क्रिएट किया था फिर उसके बाद जब डेटा शीट आपने देखा तो डेटा शीट का क्या होता है एक फॉर्मेट आपका क्रिएट हो चुका था। ओके अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट आपका है रिनेमिंग अ फील्ड। रिनेमिंग अ फील्ड में क्या होता है कि जैसे आप कोई भी फील्ड आपने दिया हुआ है सपोज मान लीजिए हम आते हैं डिजाइन पर आपने क्या दिया हुआ है आपने ये फील्ड नेम आपने दिया हुआ है आपका स्टूडेंट नेम फादर नेम रोल नंबर सिटी आप इसे रिनेम करें तो मीन्स फिर से आप इसे चेंज करके कोई और नाम देना चाहते हो तो आप यहाँ पे आकर के क्लिक करके यहाँ पे कोई भी आप नाम दे सकते हो मीन्स रिनेम कर सकते हो आप इसे। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है चलिए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एंटरिंग रिकॉर्ड इन अ डेटा शीट व्यू। अभी मैंने आपको दिखाया था किस तरह से हम डेटा शीट व्यू में हम जो भी डेटा इनपुट करते हैं वो कैसे करना चाहते हैं आपको हम दिखा देते हैं एक बार। चलिए डेटा शीट व्यू पे चलते हैं ये आए और मैंने बताया था आपको कि ये क्या होता है आपका आईडी आपका ये क्या होता है ऑटो नंबर का होता है ये ऑटो नंबर मीन क्या होता है ये आपको एक सीरियल नंबर देता है कि आप जो भी आप जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट ले रहे हो उसकी नंबर आपको उसकी क्वांटिटी को बताता है कि आप कितने नंबर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट का यूज कर रहे हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए हमने फर्स्ट लिया जैसे हम यहाँ पे देखिए नाम देंगे तो आपका वहां पे सीरियल नंबर आपका कंटिन्यू हो जाएगा। ये देखिए आपका आ गया सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आपका सीरियल नंबर यहाँ पे जनरेट हो गया। इस तरह आप जो भी डेटा आपको फिल करना है आपके यहाँ पे दिए हुए हैं क्रिएट किया हुआ है आपने फॉर्मेट उसके अकॉर्डिंग आप डेटा फिल कर सकते हो। चलिए फादर नेम दे देते हैं रोल नंबर दे दिया एंड सिटी नेम अभी मैंने आपको बताया था कि आपने लुकअप विजार्ड का यूज किया था सिटी नेम में। यहाँ पे देखिए आपकी लिस्ट एक ओपन होगी
और लिस्ट में जो आपने सिटी नेम दिया होगा उसके बारे में यहाँ पे शो करेगा कि आपने कौन कौन सी सिटी नेम यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपने 3 सिटी नेम दिया था, तो आप इसमें से जो भी चूज करना चाहते हो, जिस सिटी से भी स्टूडेंट रिलेटेड बिलोंग करता है, आप उस सिटी को भी यहाँ पे चूज कर सकते हो। सपोज मान लिया मैंने दिल्ली ही ले लिया, तो यहाँ पे क्या है, दिल्ली आ जाएगा। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट पे जैसे ही इंटर करोगे, आप तुरंत नेक्स्ट लाइन पे आ जाओगे। आप यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के लिए आपके कई सारे ऑप्शन होते हैं, आप टैब का भी यूज कर सकते हो, एंटर का भी यूज कर सकते हो, एंड आप पर जो एरो होती है अप डाउन एंड राइट लेफ्ट, आप उस एरो का भी यूज करके आप इसे अप डाउन एंड राइट लेफ्ट के थ्रू आप इस टेबल के मूव कर सकते हो, जिस भी रूम में जाना हो, जिस भी कॉलम में जाना हो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर और देखते हैं क्या है नेक्स्ट पॉइंट। आपका नेक्स्ट पॉइंट है प्राइमरी क्यू, सॉरी प्राइमरी की। अब प्राइमरी की क्या होता है आपका स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में ही, जब आपका फर्स्ट वीडियो था, मैंने बताया था कि डेटा एक्सेस क्या करता है, इसका एक मोस्ट कॉमन मतलब कि क्या होता है, कैसे तो आप एक इसका एक ऐसा बेनिफिट होता है जिसमें क्या, अगर आप कोई भी डेटा रख रहे हो, ठीक है, सपोज मान लीजिए आपने डुप्लीकेट एक डेटा बना दिया है और आपसे गलती से उसमें डुप्लीकेट डेटा आपने क्या किया, किसी भी पर्सन का आपने ऐड कर दिया है, तो इसकी एक खासियत है, सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर आप कोई भी डुप्लीकेट यूज करते हो तो वो क्या करता है, डुप्लीकेट जो भी इन्फॉर्मेशन होती है अपने पास कलेक्ट करके नहीं रखता है, वो तुरंत उसे सर्च करता है और आपको बता देता है कि आपकी ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन पहले से ही उसमें फीड है। तो ये आपका होता है प्राइमरी की, इसी को ही हम कहते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक प्राइमरी की जनरेट करनी होती है जिसमें आपको क्या करना होता है, कोई भी डुप्लीकेट डेटा आप रख नहीं सकते हो। आपको हम करके दिखाते हैं कैसे उसमें हम वर्क करते हैं एक्सेस में और कैसे हम प्राइमरी की जनरेट करते हैं। देखिएगा इसके लिए चलते हैं हम एक्सेस पर। आपका ये बना हुआ है, ठीक है, सपोज मान लीजिए आपका ये पहले से ही फॉर्मेट क्रिएट है, तो हम चाहते हैं कि स्टूडेंट नेम पे हम प्राइमरी की का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट नेम मान लीजिए, अगर कोई स्टूडेंट के आप देखते हो अपने क्लास में कि कई सारे स्टूडेंट के नाम, कुछ स्टूडेंट के नाम क्या होते हैं कि एक जैसे होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर हम जैसे गलती से किसी एक ही स्टूडेंट का बार बार हमारे हमने क्या किया, उसने फीड कर दिया, जो भी उसका डेटा है उसके नाम का मतलब क्या किया, उसका ही सेम मैंने उसने भी दूसरे स्टूडेंट में कर दिया, तो ये क्या करता है, इसको हम देखते, तो ये प्राइमरी की का यूज क्या होता है कि वो उस जो भी पहले स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन होगी, अगर हम उसको चेंजेस करके मतलब किसी और के स्टूडेंट पर फीड करेंगे और सेम नाम से, तो ये एक्सेप्ट नहीं करता है। आपको हम दिखा रहे हैं अब कैसे हम प्राइमरी की लगाते हैं। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा आपको डेटा शीट व्यू में। डेटा शीट व्यू में हम जाकर पहले हम क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे एंड डेटा शीट व्यू में, सॉरी डिजाइन व्यू में हम जाएंगे। डिजाइन व्यू में आप यहाँ पे आ गए। अब आप यहाँ क्या करोगे, आप अब आप देखोगे यहाँ पे आपके जो भी आपका आइटम जो रिबन था, आपके रिबन में क्या दिख रहा है आपको, आपके यहाँ पे देखिए प्राइमरी की शो हो रहा है आपका। इस प्राइमरी के थ्रू हम क्या करते हैं, मान लीजिए स्टूडेंट का मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया हुआ है आपको, आप देख रहे हो यहाँ पे। अब हमें प्राइमरी की लगाना है, तो हम क्या करेंगे, इस प्राइमरी की को यहाँ पर क्लिक कर देंगे, तो आप देखोगे यहाँ पर एक की बन जाएगा। देखिए यहाँ पर एक की बन गया, मीन्स आपकी स्टूडेंट क्या होगी, एक प्राइमरी की स्टूडेंट नेम क्या होगी, आपका प्राइमरी की बन गया। अब हम क्या करेंगे, अगर कोई डुप्लीकेट जनरेट करेंगे ये क्या करेगा, उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको दिखाते हैं, इसके लिए चलना पड़ेगा, पहले क्या करेंगे, इसे सेव कर देंगे कंट्रोल एस से एंड फिर चलेंगे हम डेटा शीट व्यू पर। और अब हम क्या करेंगे, फिल कर रहे हैं, ठीक है, कोई और भी ले ले रहे स्टूडेंट का नाम। फिर देखिए हम दोबारा ले रहे हैं सुबह। सेम डेटा फील कर रहे हैं जो भी पहले में था। अब देखिए जैसे ही हमने सेम डेटा फील किया यहाँ पर, तो आपकी एक इरर आ गई। क्या इरर शो कर रहा है, द चेंजेस यू रिक्वेस्टेड टू द टेबल्स वर नॉट सक्सेसफुली बिकॉज दे वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यू इन द इंडेक्स, कि प्राइमरी की और रिलेशनशिप चेंज द डेटा इन द फील्ड और फील्ड दैट कंटेन डुप्लीकेट डेटा, रिमूव द इंडेक्स और redefine the index to permit duplicate entries and try again. Means
आपने अभी मैंने बताया था कि जब भी आप डुप्लीकेट, मैंने बताया था अभी आपको, जब डुप्लीकेट आप यूज करोगे तो आपको तुरंत वो क्या करेगा, वहां पे ही रोक देगा और एक मैसेज आपको तो दिखा देगा, इधर मैसेज दिखाएगा कि आपने क्या किया हुआ है, कि एक डुप्लीकेट डेटा आपने क्रिएट किया हुआ है, तो आपको इससे हटाना होगा। मीन्स ये आपको बताएगा कि आपने, आपका पहले से भी ये जनरेट हो चुका है, एक डेटा आपका फीड है जो कि आप क्या कर रहे हो, डुप्लीकेट जनरेट कर रहे हो। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको जैसे ही मैसेज आएगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अब हमें क्या कर सकते हैं, उसको हम हटा सकते हैं, और इससे क्या होगा कि आपको जो भी है, एक तरफ कह सकते हैं कि जो फाइल की साइज होती है वो भी आपकी बचती है, मतलब कि बेनिफिट होता है इससे, ठीक है, और आप डुप्लीकेट क्रिएट भी नहीं कर पाते हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपका क्या है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका है सेटिंग द प्राइमरी की। ये आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से हम सेटिंग करते हैं प्राइमरी की में और कैसे हम उसका यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं रिमूविंग द प्राइमरी की, हम कैसे रिमूव करते हैं प्राइमरी की को। सेम उसी तरह ही है, जैसे आप प्राइमरी की का लगाते हो आप किसी भी डेटा फील्ड नेम पर, सेम आप उसका रिमूव भी कर सकते हो प्राइमरी की को। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं कैसे हम रिमूव करते हैं। फिर इसके लिए आपको हमें जाना पड़ेगा डिजाइन व्यू पर, ये प्राइमरी की जैसे हमने लगाया था आपको पिछले वाले में, तो आप क्या करोगे सेम यहाँ पे आके वापस जो भी डेटा आपका रहेगा आप यहाँ पे वापस क्लिक कर दोगे तो ये प्राइमरी की आपकी हट जाएगी, जो ये की बनी हुई थी आपकी लास्ट डेटा में आपने देखा था, यहाँ से क्या करेंगे हम इससे क्लिक कर देंगे तो आप ये जो भी की प्राइमरी की जनरेट होगी जो भी फील्ड नेम वो वहां से की हट जाएगा, तो आपसे यहाँ से रिमूव कर सकते हो प्राइमरी की को। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फिर नेक्स्ट आपका है सॉर्टिंग टेबल। मीन्स जो भी आप डेटा फीड कर रहे हो उसे हम सॉर्ट करते हैं, सॉर्ट कैसे करते हैं, सॉर्टिंग मीन्स होता है कि जैसे कि अल्फाबेटली फॉर्म में आप जैसे भी आपने इसे डिसेंडिंग फॉर्म में रखना चाहते हो या असेंडिंग फॉर्म में अल्फाबेट के, तो आप जैसा भी रखना चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो आपको हम एक बार करके दिखाते हैं, इसके लिए चलना पड़ेगा हमें, मान लीजिए इसे हमें सॉर्टिंग करना है, हम क्या करेंगे इस पहले कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे राइट क्लिक करेंगे, आपका ये सॉर्टिंग में आ गया, देखिए यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है आपका शॉर्ट करना है, शॉर्ट में मीन्स आपको जैसे भी अल्फाबेटली सॉर्ट करना है आप ए टू जेड कर सकते हो एंड जेड टू ए कर सकते हो, जैसे आप करोगे वो चेंजेस आपको दिख जाएगा वहां पर। ये देखिए मैंने अल्फाबेट किया तो अल्फाबेट मैंने क्या किया था ए से जेड तक किया था, तो आप क्या किए थे ए से जेड में आप देखे थे यहाँ पे ऑलरेडी, देखिए यहाँ पर पहले आशीष आ गया, शुभम आ गया, फिर सूरज आ गया, ये अल्फाबेटली क्या हो गया आपका अरेंज कर लिया। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है चलिए देखते हैं, फिल्टरिंग डेटा। फिल्टरिंग डेटा में क्या होता है, सेम आपका काम होता है जैसे आपने वहां पे सॉर्टिंग किया था, फिल्टर में क्या होता है इसमें हम नंबर्स का भी यूज कर सकते हैं, आप इसमें भी वही काम करते हैं, पहले नंबर कलेक्ट करते हैं और फिर हम फिल्टर का यूज करते हैं। फिल्टर में यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप कई सारे ऑप्शन होते हैं, यदि आप चाहते हो पूरे करना तो आप उससे कर सकते हो, अगर सेलेक्ट ऑल करोगे तो सब हो जाएंगे आपके चेंजेस, अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में करना चाहते हो वो पर्टिकुलर पर्सन के, मतलब जो भी आपका है किसी पर्टिकुलर रो के लिए, तो आप उसके बारे में यहाँ से चेंजेस कर सकते हो, फॉर्मेट मतलब फिल्टर कर सकते हो। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर और देखते हैं क्या नेक्स्ट पॉइंट है, सर्चिंग इन अ डेटाबेस। अब ये सर्चिंग इन अ डेटाबेस क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि मान लीजिए हम सपोज यहाँ पे मैंने अपना ढेर सारा डेटा दे दिया है, ठीक है, जो भी मान लीजिए आपने 1000 डेटा आपने फीड किया हुआ है, अब आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सर्च करना चाहते हो तो आपको कैसे मान चले, कैसे आप सर्च करोगे उस पर्टिकुलर पर्सन की इंफॉर्मेशन, तो हम इसके लिए क्या करते हैं सर्च का यूज करते हैं, और आप बॉटम पे आप जब आओगे इस डेटा सीट के तो आप बॉटम पे देखोगे यहाँ पर आपका क्या है सर्च ऑप्शन है, यहाँ पे आप सर्च ऑप्शन में क्लिक करके आप यहाँ पे जिसको भी जिस पर्सन के बारे में आप सर्च करना चाहते हो, जैसे मान लिया जैसे भी आपको करना है रोल नंबर वाइज स्टूडेंट नेम या फादर नेम जो भी आप कर सकते हो, जैसे भी आपको सर्च करना है आप उस वहां पे नेम फिट करोगे और ऑटोमेटिक वो सर्च करके आपको फाइंड करके दिखा देगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे हम स्टूडेंट नेम से लेते हैं, इसमें आपका फिट डेटा है शुभम, मान लीजिए शुभम के बाद सर्च करते हैं शुभम, देखिए आपको मैं यहाँ पे फिट किया और सर्च करके उसमें बता दिया शुभम आपका कहाँ पे है इस रो पर है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इस रो में आपकी जनरेट है। इस तरह से आप उस पर्टिकुलर स्टूडेंट या फिर किसी भी इंप्लॉय जो भी है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेना हो आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ से फाइंड कर सकते हो, जिस तरह से आपने डेटा सेट क्रिएट की हो जिसके बारे में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, क्लोजिंग एक्सेस। कैसे हम जो भी आपने एमएस एक्सेस को बनाया हुआ है उससे हम कैसे क्लोज करते हैं,
स्टूडेंट आप देख चलते हैं, दिखाते हैं आपको कैसे क्लोज किया जाता है। अपने यहाँ तक क्रिएट कर चुके हो आप। अब हम क्या करेंगे, आप यहाँ दो तरीके से जा सकते हो। आप एक फाइल मेन्यू में जा करके आपका यहाँ से क्लोज डेटाबेस होता है, यहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब या फिर आप डायरेक्ट जाके क्लोज कर सकते हो। आप यहाँ से हमारे क्लोज करना चाहते हैं, यहाँ से हम क्लोज कर देंगे एंड एग्जिट एक्सेस करेंगे। जैसे ही करेंगे हमारा क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। स्टूडेंट आपका नेक्स्ट पॉइंट है ओपनिंग और सेव डेटाबेस। अब जो भी हमने डेटाबेस सेव किया है उसे हम ओपन कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको दिखाते हैं करके कैसे हम ओपन करेंगे। आपको इसके लिए आपको एमएस एक्सेस ओपन करना पड़ेगा। आपको जाना है स्टार्ट बटन पर और फिर एमएस एक्सेस पर। ये आपका एमएस एक्सेस ओपन हो जाएगा और फिर यहाँ से हम जाएंगे जो भी डेटा मैंने बताया था आपको। ओपन रिसेंट साइड में आपका इसका बॉक्स आएगा, वहां पे आपका डेटाबेस जिस भी नाम से आपने डेटाबेस सेव किया है उसका नाम यहाँ पे शो करेगा। आप क्लिक करोगे यहाँ पर और फिर उसके बाद जो भी आपका नेविगेशन पैन पर देखिए जो भी टेबल आपका ऑलरेडी यहाँ पे डेटाबेस दिया रहेगा, जिस भी डेटाबेस को ओपन करना है आपको वहां पे जाकर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आपको ओपन करना है। जैसे ही हम ओपन करेंगे वो डेटा शीट आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या है, ओके स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। और आपका आज ये फर्स्ट चैप्टर आपका सॉरी थर्ड चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में। ओके थैंक यू, आज के लिए इतना ही।